देखिए दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही खास है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो देखिए दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजीत चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि कोचिंग क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच बेहतरीन प्रश्न जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रीजनिंग का पार्ट नंबर 49 है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में गलत पद ज्ञात किए। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, क्वेश्चन में गलत पद ज्ञात करना है, यानी कि गलत संख्या, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। देखिए 8 दिया है 14, यानी कि हम 8 का कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर 14 आ जाए। जो स्टेप इनमें फॉलो करेंगे वही सब में फॉलो करते चले जाएंगे, ठीक है। जो संख्या गलत मिलेगी, ठीक है, वही हमारी सही हो जाएगी। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए 8 और 14 में हम क्या करें, देखिए 8 में हम क्या करते हैं, 8 में 2 से गुना कर देते हैं और -2 कर देते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, 8 में 2 से गुना किया और -2 कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 8 × 16 आ जाएगा, और 16 में से -2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारी ये संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। अब वो स्टेप इसमें भी अपनाते हैं, देखिए 14 और 26 में क्या करेंगे, 14 में हम 2 सुगुना कर देते हैं, 14 में 2 सुगुना कर देते हैं और -2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारी संख्या कितना आ जाएगी, 26। देखिए वो कैसे, 14 × 28 होता है, 28 में से -2 करेंगे तो 26 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, हम सब में 2 सुगुना करते चलेंगे और 2 माइनस करते चलेंगे, तो हमारी संख्याएँ प्राप्त होती चली जाएंगी। देखिए अब क्या करेंगे, 26 में 2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 26 में 2 से गुना करेंगे और -2 करेंगे, ठीक है, तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए क्या करेंगे, 26 × 2 का कितना होता है, 52 होता है, कितना होता है, 52 होता है, ठीक है, और 52 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आने पर यहाँ कितना दिया है, 48 दिया है, ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि गलत संख्या हमारी क्या है, 48, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया कि 48 गलत संख्याएं हैं, ठीक है, थीके? तो चलिए इसे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, 50 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 50 में 2 से गुना करेंगे और -2 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 × 100 हो जाएगा और -2 करेंगे तो 98 आ जाएगा, देखिए 98 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, 98 में 2 से गुना करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 194। देखिए वो कैसे, देखिए 98 में 2 से गुणा करेंगे तो 196 आएगा, अब 196 में से -2 करेंगे तो 194 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 194 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 388, कितना आ जाएगा, 388, और -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 386। देखिए यहाँ पर 386 आ गया, यानी कि हमारा गलत संख्या कौन सी थी, 48, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, 8 पहली संख्या, मतलब हमने क्या किया, 2 से गुना किया और 2 माइनस कर दिया, सब संख्याओं में 2 से गुना किया और 2 माइनस करता चला गया, तो हमारी संख्याएँ प्राप्त चली गई, ठीक है, तो हमारा गलत पद ज्ञात हो गया। तो गलत पद कौन सा था, 48, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे आपको, तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए दोस्तों 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक हमें विकल्प चुनना है। देखिए क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत ही बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए A1, ठीक है, C3, E5, J7 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ABCD में आप जानते होंगे ABCD में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। A पे कौन सी संख्या आती है, 1 आती है, ठीक है, B पे 2, ठीक है, E पे कितना आता है, 5 आता है, ठीक है, और
आई पे कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। उसी प्रकार हमें जेड पे कितना आता है, 26 आता है, यानी कि एक से लेके 26 तक संख्याएं हमें याद होनी चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न हमें सॉल्व करने होंगे। देखिए दोस्तों, ए के स्थान पर 1 दिया हुआ है, ठीक है, और सी के स्थान पर भी 3 दिया हुआ है, ई के स्थान पर भी 5 दिया हुआ है, जे के स्थान पर भी 7 दिया हुआ है, तो हमें क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। आने का मान भी दिया हुआ है, 1 का मान 1 होता है, 3 का मान सॉरी सी का मान 3 होता है, ई का मान 5 होता है, जे का मान 7 होता है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। देखिए ए में क्या किया है, ए में क्या किया है, प्लस 2 कर दिया है, क्या किया है, प्लस 2 कर दिया है, तो हमारा 3 हो गया है, 3 हो गया। तो आने की देखिए, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और ए में भी 2 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, आने की दोनों संख्याएं बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कितना जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, देखिए 3 में 2 जोड़ें तो 5 हो गया, ठीक है, और सी भी 3 ही संख्या पर आता है, ई भी 5 ही संख्या पर आता है, तो आने की दोनों संख्याएँ बराबर हैं। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, 5 में प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जे होगा, जे 7, ठीक है, जे 7 हो गया, यानी कि सब में हमने क्या किया, सब में 2-2 जोड़ दिया, ठीक है, 2-2 जोड़ते गए तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए अब कितना जोड़ेंगे, अब 2 ही जोड़ेंगे, ठीक है, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, आई, 9 के स्थान पर क्या आता है, आई, ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, आई। देखिए हमने क्या किया, A1 में प्लस 2 जोड़ा तो C3 हो गया, ठीक है, और C3 में हमने प्लस 2 जोड़ा तो E5 हो गया, ठीक है, और E5 में हमने 2 जोड़ा तो J7 हो गया, ठीक है, और J7 में हमने 2 जोड़ा तो I9 हो गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, I9, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी I9, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों लुप्त संख्या हमारे यहीं पर है, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 12, 32, 72, 152 और खाली स्थान। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम ऐसे इसे बताएंगे इस ट्रिक से कि आप बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 12 और 32 में क्या करेंगे, 12 और 32 में हम क्या करें कि यहाँ पर 12 में हम कुछ ऐसा करते हैं कि 32 आए, 32 में कुछ हम ऐसा करेंगे 72 आ जाएगा, 72 में कुछ ऐसा करेंगे 152 आ जाए, और ये जो स्टेप इन सब में अपनाएंगे वो स्टेप इसमें भी अपनाएंगे तो हमारी खाली स्थान पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए क्या करेंगे, 12 गुने कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 12 में 2 सुगुना कर देते हैं कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा ना, और 24 में हम 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, 12 में 2 सुगुना कर दिया, जो संख्या प्राप्त हुई उसमें 8 जोड़ दिया तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों अब यही स्टेप हम सब में फॉलो करते चलेंगे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए 32 में हम कितने सुगुना करेंगे, 32 में 2 सुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए वो कितना हो जाएगा, 6 यानी कि 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 64 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 72, कितना हो जाएगा, 72। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 72 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 72 में हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 72 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, वो 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 144, और 144 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 152। देखिए दोस्तों यहाँ पर 152 भी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 152 में हम 152 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 152 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए कितना आ जाएगा, आप जो सॉरी गुणा करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 304 आ जाएगा, 304 आ जाएगा, ठीक है, और 304 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 312 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 312, यानी कि खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, 312।
देखिए हमने क्या किया, 12 में 2 सुगुना किया, ठीक है। तो जो संख्याएं प्राप्त हुई उसमें 8 जोड़ दिया तो 32 आ गया, ठीक है। और 32 में भी 2 सुगुना किया तो हमारी जो संख्याएं प्राप्त हुई उसमें 8 जोड़ दिया तो हमारी संख्या 72 आ गया, ठीक है। और 72 में हमने 2 सुगुना किया, ठीक है, उसके बाद उसमें 8 जोड़ दिया तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। उसी प्रकार हमने 152 में 2 सुगुना किया, ठीक है, और उसमें क्या किया, 8 जोड़ दिया तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई, कितना, 312। 312 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक भरा जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, 2, 5, 12, 27 और क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों हम ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 और 5, 2 में क्या करें कि यहाँ पर 5 आ जाए, क्या करेंगे हम, देखिए 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आ जाए, 7 जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 जोड़ें, यहाँ पर 7 जोड़ें, कोई ऐसा स्टेप चले ना, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, यानी कि ये स्टेप बिल्कुल गलत है, ठीक है, इस तरह से सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्या करेंगे, 2 और 5, देखिए 2 में क्या करेंगे, 2 में 2 सुगुना कर देते हैं, 2 में 2 सुगुना करते हैं और 1 जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 दुना के 4, 1, 5। देखिए हमने क्या किया, 2 में 2 सुगुना किया और 1 जोड़ लिया तो हमारी संख्या 5 आ गई, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, देखिए 5 में हम 2 सुगुना कर देते हैं और इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, देखिए 5 दुना 10 और 2 12, देखिए दोस्तों हो गया हमारा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 में भी हम 2 सुगुना करेंगे, 12 में हम 2 सुगुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 दुना के 24 आ जाएगा और प्लस 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि हम सब में 2 से गुना करेंगे और 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों वही स्टेप इसमें भी फॉलो करेंगे, ठीक है, 27 में 2 सुगुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में हम 2 सुगुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। और 54 में हम कितना जोड़ेंगे, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या कितना आ जाएगी, 58 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 58। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, 58। ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक सही होगा। देखिए दोस्तों 4 अंक दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन, ठीक है, और यहीं पर हमें भरना है खाली स्थान पे। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, 3, 5, 9, 17 और खाली स्थान, ठीक है। देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। देखिए 3 में क्या किया है, 3 में प्लस 2 कर दिया है, कितना कर दिया, 3 में प्लस 2 कर दिया है, ठीक है। और 5 में क्या किया है, 5 में प्लस 4 कर दिया है, यानी कि 2 का गुना कर दिया है, 2 का गुना यानी कि 2 दुना के 4 कर दिया है, ठीक है। देखिए 2 दुना के 4 कर दिया तो यहाँ पर 9 हो गया। अब 9 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारी 17 आ जाएगी, कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। देखिए पहले 2 का गुना किया तो 4 हो गया, ठीक है, अब 4 का दुना किए तो 8 हो गया, यानी कि हमने 9 में क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है तो 17 आ जाएगा। उसी प्रकार आप क्या हम जोड़ेंगे, देखिए 2 का किए तो 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि प्लस 16 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33, यानी कि 33 आ जाएगा हमारा खाली स्थान पे। ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया और 5 में 4 जोड़ा तो 9 हो गया, ठीक है, और 9 में 8 जोड़ा तो 17 हो गया, ठीक है, और 17 में 16 जोड़ा तो 33 हो गया, यानी कि 2 का गुना किया तो 4 हो गया, 4 का गुना किया तो 8 हो गया, 8 का गुना 16 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।